हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज हम जा रहे हैं गंगा बराज में जाकर के, जहां पर सभी लोग रील बनाते हैं। आज हम जा रहे हैं वहां पर रील बनाने के लिए, तो कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा तैयार हो जाए, उसके बाद मिलते हैं। ओके, गंगा बराज, जहाँ पर कानपुर के सभी क्रिएटर, ज्यादा से ज्यादा सभी क्रिएटर वहीं पर रील बनाने जाते हैं। तो आइए, आप सभी लोगों को वो लोकेशन पे लेकर के चलते हैं। आज मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत कम वहाँ पर शूट करता हूँ, बहुत ही कम शूट करता हूँ वहाँ पर, लेकिन आज जाऊँगा वहाँ पर, आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। लगभग वहाँ बहुत से क्रिएटर शायद मिल भी। तो व्लॉग पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। चलते हैं लोकेशन पर। अब कार में डलवा ली हम लोगों ने सीएनजी, डलवाने के बाद चल रहे वही लोकेशन पर जहाँ सारे क्रिएटर रील और वो बनाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मोंटी भैया के यहाँ। मोंटी भैया को लेने के बाद, मोंटी भैया के घर के आगे ही है वो लोकेशन, तो मोंटी भैया को लेना जरूरी है। मोंटी भैया को लेंगे, उसके बाद चलेंगे वो लोकेशन पर। क्या कह रहा है? गली में आओ, अंदर अंदर रास्ता होएगी ना, कहीं आओ चेकिंग। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं मोंटी भैया को लेने के लिए। मोंटी भैया को लेने के बाद अपनी लोकेशन पर निकलेंगे। मोंटी भैया बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं आने में, इनको छोड़ दिया जाए। मन तो कर रहे हैं यहीं पे छोड़ दे, लेकिन क्या बताएं, लेना तो है ही। मैं कल वायल कर दूँ सैलून। बोलो बोलो। किसी से सब दिए दे रहे हो? चलो सीधे। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं गंगा बराज, जहां पर क्रिएटर, मतलब कानपुर के अधिकतर क्रिएटर यहीं पर वीडियो बनाने के लिए आते हैं, अपनी इंस्टाग्राम रील। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। भैया दिखा दो लोकेशन, दिखाओ भाई। तो यही है वो जगह जहाँ पर इंस्टाग्राम के सारे क्रिएटर रील बनाते हैं, अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने आते हैं। शायद यहाँ पर कोई एक दो क्रिएटर मिल भी सकते हैं आप लोगों को, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। बाकी हम लोग तो यहाँ पहुँच गए हैं यहाँ पर बनाने के लिए रील। आज हम भी यहाँ पर अपनी एक या दो रील बनाऊंगा और शूट करूंगा, ताकि कम से कम पता तो चले कानपुर के लोगों को कि मैं भी कानपुर से हूँ। आधे से ज्यादा लोग तो ये जानते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, तो कानपुर के लोगों को पता चलना चाहिए मैं कानपुर से हूँ। ये देखिए, फाइनली गंगा बराज आ गए हैं, यहीं पे सारे क्रिएटर ज्यादातर रील बनाते हैं। मैं भी बनाने जा रहा हूँ एक दो रील, यहाँ पर बनाऊंगा रील मजेदार एकदम गजब की। चलिए रील बनाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, ये देखो गोविंद भाई, ये लोग रील बना रहे हैं और बाकी सब गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग मैगी वगैरह खाएंगे, मैगी वगैरह खाने के बाद सीधे चलेंगे अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड, किसी का मैगी खाने का मन नहीं था गर्मी में, तो सबको पानी के बतासे खिलाने जा रहा है भाई। भाई। खेल गया भाई। गर्मी की वजह से इन लोग को शिकंजी पिलानी मैंने ज्यादा सही समझा, क्योंकि साफ झूठ बोलना भी लोग में। अगर मैगी खिलाऊंगा तो शायद गर्मी की वजह से थोड़ा सा वो हो सके, तो शिकंजी पिला के सबकी तबीयत खड़ी कर दूंगा। बतासे वाले भैया वहाँ आराम कर रहे थे भाई, एक रील और बना सकते हो भाई, पैसे खड़े हो गए। यहाँ चल रहा है इनका गहरा फोटो शूट। ये क्या बात, एकदम जहर। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग बतासे खा के घर के लिए निकल गए हैं। अब देखो क्या होता है, मैगी नहीं खिलाई घर जाएंगे। भैया फोन आ गया था कि जल्दी से घर आओ, इस वजह से जल्दी यहाँ से फटाक से निकलना पड़ रहा है। देखते हैं क्या हुआ भैया के साथ में। तो फ्रेंड, जैसा कि गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने हैंडल को ऐसे करके ऐसे नीचे कर लिया है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। मारुति सुजुकी नहीं चल रही, ये तो बढ़िया है। मारुति सुजुकी का लगभग सारी गाड़ियों में ये फीचर सब आ गया है कि अपना स्टीयरिंग जो है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा हाइट छोटी है ना मेरी, इस वजह से थोड़ा सा बोनट कम दिखता है, इस वजह से स्टीयरिंग को थोड़ा नीचे करके चलाना पड़ता है मुझको, इस वजह से।
तो आप सभी लोग कमेंट करिए आप भी कहाँ से हैं, और अगर कानपुर से हैं, कानपुर से है तो गंगा बराज तो मान लीजिए जाना भूलिएगा मत। बाकी जल्दी कानपुर में एक बढ़िया सा मीटअप रखने वाले हैं, एकदम बहुत प्यारा और बहुत सुंदर मीटअप रखूंगा। कन्हैया जी के रूप में आऊंगा, कन्हैया जी जिस रूप में आप हमको देखते हैं कन्हैया जी के, उसमें कन्हैया जी के रूप में मीटअप रखूंगा और इस्कॉन टेम्पल में रखूंगा। मेरा जब भी मीटअप होगा कानपुर में तो मैं इस्कॉन टेम्पल में ही रखूंगा, ताकि कानपुर के जितने भी लोग हैं वो इस्कॉन टेम्पल में है। बहुत से लोग क्या, अधिकतर लोग गंगाई बराज में रखते हैं मीटअप, लेकिन मैं जो हूँ इस्कॉन टेम्पल में रखूंगा। मेरा शुरुआत से मेरी दिली इच्छा यही है कि इस्कॉन टेम्पल में रखूंगा। मोड़ो भाई, नहीं मोड़ पाएंगे भाई, चौकाबाटी नहीं खाऊंगा, चौकाबाटी खाएंगे कहाँ से, मोड़े बताओ गंगा बराज वापस है। नहीं हो तो दूसरों में दिखता नीचे। तो फ्रेंड्स, पूरा गंगा बराज घूमने के बाद फाइनली अपने घर पे आ चुके हैं, क्योंकि जो भैया आ रहे थे भैया वो इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे कुछ कहने को नहीं, आज उनकी गाड़ी लेके के चले गए तो वो जल्दी जल्दी करने लगे। कुल्ला बिसाड़िया नीला लीला लाल तू धोखा है ये सबने का। तो फ्रेंड्स, ये जो कार है डिजायर, ये बढ़िया वाली है, समझिए। तो ये भैया वाली ले जा रहे हैं, और जो अपनी है पास, मतलब जिससे कोई दिक्कत नहीं, वही आ रही है ये अपनी धन्नो। इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे कि अपनी धन्नो है, कभी कभार भैया वाली डिजायर लेके जाना पड़ता है ना, इस वजह से। और अभी देख लेगा, मैं कार लेके गया तो भैया देंगे डिमांड क्या करेगा, आओ देखना। चलिए अभी देखना भी, तो आप लोग देखिएगा। देखिए भैया, क्या लाना, क्या था, लस्सी लाना था जो कि तुम लाए नहीं हो, ज्यादा हम दर्दी का दिखाना, ठीक है। तो गाइस, मैंने आपसे क्या कहा था, गाड़ी ले गया था, समझ तो गई हमने। पिछले दो मिनट से आप लोगों से बताया था कि गाड़ी लेके गया, गाड़ी लेके आया, इसका मतलब समझ लो पैड हो गया। तुरंत कहा इन्होंने लस्सी लाई कि नहीं, चलिए। फ्रेंड्स, अब घर पे पहुंच चुके हैं, अब व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। व्लॉग पे बने रहिए, ऐसे ही कंटिन्यू आते रहेंगे व्लॉग। थैंक यू सो मच।